लोन लेते समय काम आने वाले कुछ तरीके। आज के समय में लोन की जरूरत हर किसी को होती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप कुछ खरीदना चाहते हैं, तो बैंक लोन लेना इसके लिए कन्वीनियंट ऑप्शन है। इसके अलावा किसी फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति में भी बैंक लोन हमारे जीवन को बहुत आसान बना देता है। कोई भी व्यक्ति लोन तभी लेता है जब वो अपनी जरूरतों को मौजूदा आमदनी या फिर अपनी जमा पूंजी के सहारे पूरा नहीं कर सकता। ऐसे में वो किसी भी बैंक के पास जाकर लोन लेता है और फिर बाद में सालों तक इसे चुकाता रहता है। बैंक भी लोन के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की स्कीम्स और ऑफर लाते रहते हैं। इन ऑफर्स में आकर व्यक्ति लोन तो ले लेता है, लेकिन कई बार लोन ठीक से न चुका पाने पर ग्राहक को और कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो फिलहाल अगर आपने हाल फिलहाल में किसी बैंक से लोन लिया है या फिर आगे लेने की सोच रहे हैं, तो आप एक्सपर्ट्स के इन 5 मशवरों को ध्यान में रखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। समय पर ईएमआई का भुगतान करें। लोन लेने के बाद सबसे जरूरी है कि आप अपनी ईएमआई टाइम पर भरें। अगर आपने किसी कारण से ईएमआई नहीं भरी है तो आपको इसका खामियाजा भारी पेनाल्टी चार्ज और इंटरेस्ट के तौर पर देना पड़ सकता है। लोन की ईएमआई समय से ना देने पर बैंक आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब कर सकता है। इससे अगर आप फ्यूचर में लोन लेने जाएंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इमरजेंसी फंड में ईएमआई को शामिल करें। कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए पहले से ही सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। लोन के मामले में भी ऐसा ही है। अगर आप एक इमरजेंसी फंड बनाएं, ये इमरजेंसी फंड अचानक नौकरी छूटना, गंभीर बीमारी या किसी और संकट के समय आपके काम आएगा। अगर आपने कोई लोन लिया है तो इस इमरजेंसी फंड में अपनी ईएमआई को भी शामिल करें। ये इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने के लिए जरूरी खर्चों के हिसाब से होना चाहिए। तो अगर आपने लोन लिया है तो अपने इमरजेंसी फंड में आज से ईएमआई शामिल करें। टाइम पर बैलेंस ट्रांसफर करें। बैलेंस ट्रांसफर कम ब्याज दर पाने का एक आसान तरीका है, लेकिन इसका इस्तेमाल बेहद सूझबूझ के साथ करना चाहिए। दरअसल बैंक ट्रांसफर के जरिए आप अपने मौजूदा लोन को किसी और बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, जहां आपकी बैंक के मुकाबले ब्याज दर कम हो। अगर आपने लंबे समय के लिए लोन लिया है तो वक्त वक्त पर दूसरे बैंकों की ब्याज दर को चेक करते रहना चाहिए। बैलेंस ट्रांसफर के वक्त एक और बात जो ध्यान रखने वाली है कि प्री पेमेंट फीस वगैरह पहले ही चेक कर लें। सभी चार्ज लगने के बाद अगर आपको ब्याज दर में राहत मिल रही है तो बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन जरूर चुनें। इंटरेस्ट कम करने के लिए प्री पेमेंट करें। लोन की ईएमआई को समय से भरना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास किसी महीने में एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो आप प्री पेमेंट भी कर सकते हैं। प्री पेमेंट से ब्याज की लागत कम कर सकते हैं। अगर आपने हाल फिलहाल में लोन लिया है तो ऐसे में प्री पेमेंट करके ब्याज की लागत कम की जा सकती है। प्री पेमेंट करने से पहले अपने बैंक से इस बारे में जानकारी जरूर ले लें। कुछ बैंक प्री पेमेंट करने पर कुछ फीस भी वसूलते हैं। ऐसे में फीस अगर ब्याज दर से ज्यादा है तो फिर प्री पेमेंट नहीं करनी चाहिए। क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें। अगर आपने लोन लिया हुआ है या फिर लोन लेने वाले हैं, तो आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट जरूर देखते रहें। आपके लोन के पेमेंट के आधार पर आपकी एक क्रेडिट रिपोर्ट तैयार होती है। क्रेडिट ब्यूरो इस रिपोर्ट में अलग अलग लोन और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी रखता है। साल में एक बार आप क्रेडिट ब्यूरो से फ्री में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।